The question is, evaluate under root 3 plus under root 2 raised to power 6 minus under root 3 minus under root 2 raised to power 6. अब देखो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, हमें इसे सॉल्व करना है यूजिंग बाइनोमियल. और जो टर्म्स हैं हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आपके पास रूट थ्री रूट टू है, यहाँ पर भी रूट थ्री एंड रूट टू है. मीन्स ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी की फॉर्म बनी हुई है. नंबर हमारे पास अगर सेम है तो पहले हम इसे इसी फॉर्म में सॉल्व करने की जगह पे ए और बी की फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं सिंप्लीफाई करके, देन उसके बाद हम ये वैल्यूज पुट कर लेंगे. मीन्स अगर मैंने ए सपोज कर लिया अंडर रूट थ्री को और बी सपोज कर लिया अंडर रूट टू को, सो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए प्लस बी रेज टू पावर 6, ए माइनस बी रेज टू पावर 6. तो हम पहले इस पे बाइनोमियल जो है वो अप्लाई करेंगे, राइट. तो देखो अब बाइनोमियल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है. अगर हमारे पास ए प्लस बी रेज टू पावर एन है, देन एन सी ज़ीरो ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर 0, एन सी 1 ए रेज टू पावर एन माइनस 1 बी रेज टू पावर 1 अप टू सो ऑन. तो यहाँ पर देखो पावर 6 तक है हमारे पास, तो हमें पूरा ओपन करना होगा. तो फर्स्ट अगर हम ओपन करते हैं 6C0 ए रेज टू पावर 6 बी रेज टू पावर 0, तो वो लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है. प्लस 6C1 ए रेज टू पावर 5, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, बी रेज टू पावर 1. 6C2 ए रेज टू पावर 4 बी रेज टू पावर 2. 6C3 ए रेज टू पावर 3, दोनों का डिफरेंस बी रेज टू पावर 3. 6C4 ए रेज टू पावर 2 बी रेज टू पावर 4. 6C5 ए रेज टू पावर 1 बी रेज टू पावर 5 एंड 6C6 ए रेज टू पावर 0 एंड बी रेज टू पावर 6. ये हमारा फर्स्ट एक्सपेंशन ओपन हुआ है. इसमें से माइनस करना है हमें अपना सेकेंड एक्सपेंशन जो सेम है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर a माइनस बी है. तो माइनस वाले में क्या होगा कि जहाँ पर भी हमारे पास b जो है, अगर a माइनस बी होता है हमारे पास, तो इसे हम लिख सकते हैं एन सी ज़ीरो ए रेज टू पावर n माइनस बी रेज टू पावर 0, एन सी 1 ए रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस बी रेज टू पावर 1. तो इससे क्या होता है कि जो आपके पास यहाँ पर सीरीज में जो प्लस का साइन चल रहा है वो अल्टरनेटिव प्लस और माइनस में चलेगा. मीन्स जो ये माइनस बी है, ये माइनस जो है हम यहाँ लिख सकते हैं, राइट. तो अब यहाँ पर जब मैं अप्लाई कर रही हूँ बाइनोमियल थ्योरम, तो हम ये माइनस बी हर बार नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे 6C0 ए रेज टू पावर 6 बी रेज टू पावर 0 माइनस 6C1 ए रेज टू पावर 5 बी रेज टू पावर 1 प्लस 6C2 ए रेज टू पावर 4 बी स्क्वायर माइनस 6C3 ए क्यूब बी क्यूब प्लस 6C4 ए स्क्वायर बी 4 माइनस 6C5 ए 1 बी 5 प्लस 6C6 ए रेज टू पावर 0 एंड बी रेज टू पावर 6, राइट. अभी एक्सपेंशन हमें माइनस करना था. जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, सारे साइन चेंज होंगे. तो नेक्स्ट स्टेप में आप साइन चेंज करके भी लिख लेते हैं और साथ साथ इसे हम सॉल्व भी करते हैं. जब इसे सॉल्व करेंगे 6C0 हमारे पास क्या होगा, 1 इंटू ए रेज टू पावर 6, तो ए रेज टू पावर 6 हो गया, बी रेज टू पावर 0 तो हमारा 1 ही हो जाएगा. 6C1 हमारे पास 6 आ जाएगा. 6C2 अब या तो इसे आप पास्कल ट्रायंगल से इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो याद कर लीजिए या फिर इनको सॉल्व कीजिए. तो 6C2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, तो 6 5 4 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 3 जा 6 एंड 5 3 जा 15 प्लस 15 ए रेज टू पावर 4 बी स्क्वायर, तो 6C3 आपके पास 20 आ जाएगा. और पास्कल ट्रायंगल से अगर आप याद रखते हो तो क्या होता है, 1 6 15 20 15 6 1, यानी कि जो ये कोफिशिएंट्स बनेंगे 6C1 62 जो कॉम्बिनेशन हमारा सॉल्व होकर आएगा वही आएंगे. सो 6C3 आपके पास 20 आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब, 6C4 आपके पास 15 आ जाएगा ए स्क्वायर बी 4, 6C5 आपके पास 6 आ जाएगा ए 1 बी 5 एंड 6C6 हमारे पास 1 होता है, यहाँ बचेगा हमारे पास बी रेज टू पावर 6. अब ध्यान रहे कि यहाँ माइनस है तो हम साइन चेंज करते जाएंगे,
सो माइनस ऑफ, यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास वही ए रेज टू पावर सिक्स रहेगी, ये टर्म्स हमारे पास देखो बिल्कुल सेम आएंगे, सिर्फ प्लस माइनस का ही डिफरेंस है. सो माइनस माइनस प्लस, सिक्स ए फाइव बी, माइनस प्लस माइनस, सिक्स ए टू आएगा फिफ्टीन ए फोर बी स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा, सिक्स ए थ्री हमारे पास होता है ट्वेंटी ए क्यूब बी क्यूब, यहाँ आएगा माइनस, सिक्स ए फोर होता है हमारे पास फिफ्टीन ए स्क्वायर बी फोर, यहाँ प्लस हो जाएगा, सिक्स ए बी फाइव और यहाँ माइनस हो जाएगा. तो अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या क्या टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो रही हैं. फर्स्ट तो हमारे पास कैंसिल आउट होगी ए रेज टू पावर सिक्स, फिर हमारे पास कैंसिल आउट हो रही है 15 वाली, फिर इसके बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगी और देन हमारे पास वी रेज टू पावर सिक्स. तो जो टर्म्स हमारे पास बची हैं देखो वो सेम टाइप की हैं, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, ए रेज टू पावर फाइव बी, ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर्टी ए क्यूब बी क्यूब, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व ए बी रेज टू पावर फाइव. तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे ए और बी की. देखो अगर यही हमें अंडर रूट में सॉल्व करना होता तो हमें प्रॉब्लम होती, लेकिन हमने ए और बी के फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लिया, अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मिस्टेक्स नहीं होंगी उसमें. तो ए की वैल्यू है अंडर रूट थ्री रेज टू पावर फाइव और बी की वैल्यू है अंडर रूट टू फोर्टी, रूट थ्री क्यूब रूट टू क्यूब प्लस ट्वेल्व अंडर रूट थ्री एंड अंडर रूट टू रेज टू पावर फाइव. सो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, रूट थ्री इंटू फाइव करेंगे तो ये आएगा आपके पास नाइन रूट थ्री, तो ट्वेल्व इंटू नाइन वन हंड्रेड एट, यहाँ रूट थ्री इंटू रूट टू, ठीक है ये भी सिक्स हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे इसे. फोर्टी है हमारे पास, ये जो रूट थ्री का क्यूब है ये थ्री रूट थ्री आ जाएगा और ये टू रूट टू आ जाएगा, तो थ्री टू जस्ट सिक्स, सिक्स फोर जो हमारे पास आएगा टू फोर्टी, रूट थ्री इंटू रूट टू. नेक्स्ट हमारे पास देखो जो रूट टू रेज टू पावर फाइव है तो ये आ जाएगा आपके पास फोर रूट टू, तो फोर ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट, रूट थ्री इंटू रूट टू, ये रूट थ्री इंटू रूट टू ये रूट सिक्स हो जाएगा, वन हंड्रेड एट टू फोर्टी एंड फोर्टी एट, ये आ गया हमारे पास थ्री नाइन्टी सिक्स रूट सिक्स. तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा इस एक्सपेंशन का. तो इस टाइप से इसे हमें सॉल्व करना है. थैंक यू.